आज क्लास 12th CBSE का रिजल्ट आया। हर तरफ लोगों ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी, किसी ने अपने स्टेटस पे लगाया कि मेरे स्कूल के बच्चों ने इतना परसेंटेज लाया, किसी ने अपने बच्चों की तस्वीर लगाई, मेरे बच्चे ने इतना परसेंट पाया। अच्छी बात है, अपनों को अप्रिशिएशन देना चाहिए, लेकिन शायद इस दौर में हम उन बच्चों को भूल गए जिन्होंने मेहनत तो की लेकिन उनके मार्क्स उतने ना आ सके जितने आने चाहिए थे। कहीं ना कहीं वो बच्चे आज उदास और निराश होंगे, ये सोच के कि काश मैं भी अच्छा नंबर लाता तो मेरे भी पिता, मेरी भी माता, मेरे भी भाई बहन आज मेरी फोटो पोस्ट करते और उस पे लिखते माय ब्रदर हैज़ अचीव्ड 95% मार्क्स इन क्लास 12th। जरा सोचिए उन बच्चों के दिल पे क्या गुजरती होगी। किसी ने सोचा है? नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि हम खुश हैं तो सब खुश होंगे। शायद यही वजह है कि हम उनके बारे में नहीं सोच पाते जो आज कहीं ना कहीं किसी कोने में निराश होंगे। हमें अपने बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे उनके नंबर कम आए या ज़्यादा, क्योंकि नंबर से टैलेंट की पहचान नहीं होती। नंबर किसी को डॉक्टर, इंजीनियर या एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बनाता, बल्कि उसके अंदर का ज्ञान उस इंसान को बुलंदियों पे पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं हमें उन बच्चों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उन बच्चों को भी कहना चाहिए वेरी गुड, तुमने पिछली बार क्लास 11 से अच्छी मार्क्स लाए और तुमने मेहनत की और मुझे तुम पे प्राउड है। तुम्हारे ये 67% मार्क्स, ये तुम्हारे ये 65% मार्क्स या तुम्हारे 55% मार्क्स मेरे लिए 90% के बराबर हैं, क्योंकि तुमने जो कुछ भी अचीव किया तुमने सच्चे दिल से पूरी मेहनत से अचीव किया। तो ऐसे में उस बच्चे का भी कॉन्फिडेंस हाई होगा, उसका भी मोराल हाई होगा कि मैं भी अपने घर का हीरो हूँ, मैं भी अपने घर की प्यारी हूँ, मैं भी अपने घर की परी हूँ। तो प्लीज़ जिन बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा, हमें उन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें भी बूस्टअप करना चाहिए। साथ ही साथ जिन्होंने अच्छा किया उनके लिए हमारी शुभकामनाएं, वो और आगे जाएं और बुलंदियों को छुए। लेकिन साथ ही साथ उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपनी खुशी में उन अपनों को ना भूलें जो कहीं ना कहीं आज थोड़े निराश और हताश होंगे। उनको भी अपने साथ लीजिए, उनको भी अपने खुशियों में शामिल कीजिए, उनको भी बूस्टअप करिए। कोई बात नहीं यार, तेरे 70% आए हैं, कोई बात नहीं, तू फिर भी मुझसे बेटर है। मुझे पता है तू मैथ में अच्छा करती थी, तू मुझे पता है तू इंग्लिश में मुझसे अच्छी थी। ये रिज़ल्ट कुछ मायने नहीं रखता, मुझे पता है एक दिन तू मुझसे आगे जाएगी और उस दिन मैं कहूँगी क्यों डॉक्टर साहिबा क्या हाल है। तो इस तरह का विज़न, इस तरह की इंस्पिरेशन चाहिए। हमें आगे बढ़ के अपनों का हाथ थामना चाहिए और उन्हें उस मझधार में जहाँ वो फंसे हैं उससे बाहर निकाल के उन्हें किनारे पे ला के उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। और ये रिक्वेस्ट मेरी सभी पेरेंट्स से है, सभी टीचर्स से है और सभी बच्चों से है कि हम लोगों को आगे बढ़ के उनसे मिले और उनके हाथों को थामें और उन्हें बूस्टअप करें। जी हाँ, ना कि उनका किसी और बच्चों से कंपैरिजन करें कि देखिए मिस्टर शर्मा का बच्चा जो है इतना परसेंट लाया और आप जो है इतना ही परसेंट लाए। नो, नेवर, कभी नहीं। तो आई होप ये बातें आप सभी को समझ में आई होगी। तो बेटा, जिनके नंबर कम आए मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये कागज़ का टुकड़ा है, ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है,
ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, तुम्हारी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। और जिस दिन तुम उड़ोगे ना, तुम्हारे साथ साथ पूरा जमाना भी तुम्हारी उड़ान को देखेगा और कहेगा, आई एम प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों में चल के ही मिलेंगे साए बाहर के। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द चैम्पियंस, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। वेल डन।